हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो मैं सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल कंप्यूटर कोड पे। तो स्टार्ट करते हैं। हम एक एप्लीकेशन बना रहे थे जो रैंडमली पासवर्ड हमारे लिए जनरेट करे। तो उसका हमने डिज़ाइन ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। कुछ दे एक दो चीज़ें हैं जो विद द टाइम हम जो उसके अंदर देखेंगे। तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ हमारी एप्लीकेशन को, और हमारा एमुलेटर को तो मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है। तो उसके अंदर अब अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि कितना हम लोगों ने काम कर लिया था और कितना हमारा रिमेनिंग रहता था। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है? तो जस्ट एक सेकेंड, इसकी एनालाइजिंग एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए तो फिर इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अभी ये डिवाइस की भी ये लोडिंग ले रहा है सारा, वो देखेगा जी। ठीक है, तो इसने डिटेक्ट कर ली है तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये एक दफ़ा इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाए देन वी हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक प्रॉब्लम मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि प्रॉब्लम ये थी मेरी कि हम वो किस तरह डिटेक्ट करें कि कौन से क्लिक पे उसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया है। तो इसका जो है सोल्यूशन आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, हम इस प्रॉब्लम को किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक फ्लटर के बारे में एक चीज़ बताऊंगा कि फ्लटर के एक गेम चैलेंज आया हुआ है और उसको कंप्लीट करने वाले को के लिए डिफरेंट प्राइजेस जो हैं इनाम है उनके लिए। तो वो भी हम इसके बारे में देखेंगे कि आपको मैं दिखाऊंगा उसका पे वेब का पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप लोग देख लेना। ओके, तो ये ज़रा सा लोडिंग इसकी कंप्लीट हो ले देन वी कंटिन्यू इट। ओके, इतनी देर यार इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है। तो जब तक कंप्लीट हो जाए फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो एक तो हम आज वो हमारा बनाएंगे। ओके, इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रही है, बस हो जाए तो अभी हमारे पास डिस्प्ले में। ओके, ठीक है, वेल डन। तो ये इंस्टॉलेशन इसकी बस कंप्लीट हो गई है। ओके, तो ये हमारा था, ठीक है। तो ये रैंडम पासवर्ड हमारे लिए जनरेट कर रहा था, और इस पर क्लिक करते हैं तो वो इसकी वैल्यू जो है वो एक दफ़ा रिस्टार्ट, ठीक है, वो वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है, तो वो सेट हो जाता है और रीसेट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कौन से क्लिक पे हमने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। अब लेट्स सपोज एक दफ़ा कॉपी हुई, ये चेंज हो गया, ठीक है। चेंज होने के बाद ये वाले आइकन पे मैं दोबारा क्लिक करूँ तो वो कॉपी वाला फंक्शन ना काम करे, कुछ और फंक्शन काम करे। तो इस चीज़ को अब हम कैसे देखेंगे, इसके लिए सबसे पहले जो है मुझे एक वेरिएबल लेना होगा, इंटीजर टाइप का मैं ले लेता हूँ। इंटीजर नाम क्लिक चेक इज इक्वल टू, मैं इसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ -1, ठीक है। अगर -1 होगा तो मैं बोलूँगा कि मेरा कॉपी वाला फंक्शन काम करे, अदरवाइज क्या करे, दूसरा फंक्शन काम कर रहे। और सबसे पहले मुझे एक मेथड बनाना पड़ेगा वाइड क्लिक चेकर के नाम से, कोई भी आप रैंडमली नेम लिख सकते हैं। इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ इंट नंबर, यानी कि इसको एक वैल्यू चाहिए होगी। इफ़ यहाँ पे मैं वैल्यू कर देता हूँ वैल्यू, ठीक है। इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू 1, अगर मेरे पास जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म करो, एल्स अगर इससे हट गया तो वो मेरा जितना भी डाटा है वो आपने क्या करना है, कॉपी कर देना, क्योंकि वैल्यू तो हम हार्ड कोडेडली देंगे तो वो सिर्फ ये दो वैल्यू आएंगी, दूसरी की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो सेकेंडली मैं जब बोलता हूँ कि जब मेरा वो कॉपी वाला फंक्शन हो तो कॉपी वाले फंक्शन पे आप लोगों ने क्या परफॉर्म करना है, वो जो हमारा टेक्स्ट लिखा होगा, ये जिस तरह ये कि क्लिक टू जनरेट रैंडम जनरेट पासवर्ड, इसको भी अभी हम चेंज करेंगे। जब वो एप्लीकेशन हमारी ओपन होगी तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एक रैंडमली यहाँ पे पासवर्ड जनरेट हुआ पड़ा होगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एक क्लिपबोर्ड डॉट सेट डाटा, डाटा सेट करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिपबोर्ड डाटा पास करूँगा, ठीक है। और क्लिपबोर्ड डाटा पास करने के बाद यहाँ पे मैं डॉट
देन क्योंकि ये फ्यूचर टाइप होता है तो हम यहाँ पे अपने मर्जी का कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं डाटा सेट कर देता हूँ। यहाँ पे भी हम देखते हैं हमारे पास टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर जो हमारे पास रैंडम पासवर्ड था जो स्ट्रिंग टाइप है वो वाला वेरिएबल हम पास कर देंगे जिसके अंदर हमारे पास रैंडम पासवर्ड जो है वो सेट होगा। ठीक है, अब वो सेट हो गया, अब वैल्यू है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जब ये मेरा डाटा कॉपी हो जाए, कॉपी होने के बाद क्या करे मुझे नीचे से शो हो जाए एक जो है नीचे से स्नैक बार इसकी जो है वो शो हो जाए डॉट स्नैक बार। ठीक है, और स्नैक बार के बाद मैं यहाँ पे स्नैक बार और ये मेरे पास जो आ जाएगी स्नैक बार आ जाएगी। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ। ठीक है, कंटेंट इसको चाहिए होगा इसके मैं टैग सेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं हार्ड कोडेड दे देता हूँ इसको। इसको पहले मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी और हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहा हूँ योर डाटा यू आर रैंडम पासवर्ड इज कॉपीड। ठीक है, तो इसका जो मैं कलर है वो मैं यहाँ पे नहीं शो स्नैक बार में नहीं बैकग्राउंड कलर कलर स्टॉट डीप एक्सेंट ऑरेंज। ठीक है, और इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें डायमेंशन डिसमिस डायरेक्शन ये हम देखते हैं डिसमिस डायरेक्शन हॉरिजेंटल एंड टू स्टार्ट। ठीक है, ये हो गया ओके। अब मैं लेट्स सपोज ये वाला फंक्शन मैं ट्रिगर करना चाहता हूँ और मुझे यहाँ पे एक चाहिए सबसे पहले ये हाँ ये क्लिक चेकर कॉपी आइकन वेरिएबल का क्या नाम था रैंडम पासवर्ड कॉपी आइकन पासवर्ड ग्रुप नंबर क्लिक चेक। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये वाली वैल्यू होगी तो इसके इक्वल मैं वैल्यू क्या साइन कर देता हूँ 1 असाइन कर देता हूँ और यहाँ पे सेट स्टेट से पहले मैं क्या कर देता हूँ क्लिक चेक कर। ठीक है, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा नंबर चेक। ठीक है, तो अभी मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ ये किस तरह काम करेगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ उसने मुझे दिखा दी कि योर पासवर्ड रैंडम इज कॉपीड। ठीक है, और इसके बाद ये नीचे की तरफ मूव हो गया। ठीक है ओके, अब मैं इस पर दोबारा ये क्लिक करता हूँ तो ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू अपडेट हो गई है। हाँ, अब इसको मैं दोबारा ये करूँगा अभी भी वो फंक्शन कोई भी परफॉर्म नहीं करेगा क्यों क्योंकि इसके जनरेट करने के बाद मैंने उसकी वैल्यू अपडेट नहीं की। अब मैं उसकी वैल्यू अपडेट करता हूँ तो फिर हमारा ये वाला काम भी करेगा नंबर क्लिक और यहाँ पे मैं फिर से वैल्यू कर दूँ सेट कर दूंगा -1। अब मैं इसको ज़रा मैं हॉट रीलोड करता हूँ और आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ। अब देखें अब इसको कॉपी कर रहा हूँ वो हमारा डाटा जो है वो कॉपी कर रहा है। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ नहीं अब मैं इसको जनरेट करता हूँ जनरेट करने के बाद मैं दोबारा करता हूँ तो वो मुझे नीचे से हमारी स्नैक बार जो है वो शो करा रही। ठीक है, स्नैक बार को हम थोड़ा सा और भी डेकोरेशन कर सकते हैं ओके। एलिवेशन जो है वो इसको मैं दे देता हूँ 2.0 ओके, और विड्थ भी इसकी हम डिफाइन कर सकते हैं पैडिंग भी दे सकते हैं एक्शन एनिमेशन की भी अंदर हम दे सकते हैं बिहेवियर इसका क्या होगा स्नैक का बिहेवियर जस्ट अ सेकंड स्नैक बार बिहेवियर ये फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है मैं इसका फ्लोटिंग करता हूँ। अब देखते हैं हॉट रीलोड रैंडमली जनरेट और ये फ्लोटिंग में इस तरह नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ की आपको समझ आ जाएगी आ गई होगी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं हमारे इधर कॉमन फंक्शंस के अंदर आते हैं। ठीक है, एक तो हमारा ये था ना कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर नेविगेट करने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे थे और सेकेंडली अब हम क्या करेंगे एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और एक इसको विजिट रिक्वायर होता है। ठीक है, और सेकेंडली यहाँ पे क्या हम करेंगे पहले उसका वाइट टाइप पहले करता हूँ वाइट के बाद इसको मैं चेंज कर दूंगा बल्कि ये पहले मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग और जो है गेट रैंडम
स्ट्रिंग कर दें या रैंडम पासवर्ड कर दें। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है और इसके अंदर इंट एक लेंथ आएगी। जस्ट अ सेकंड, अभी मैं एक दफ़ा लेंथ ही पास कर रहा हूँ, इसके बाद हम देखेंगे कि वो दूसरी चीज़ें हमने किस तरह भेजनी है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले रिटर्न, वो मैं एक फंक्शन पहले खाली, मैं एम्प्टी स्ट्रिंग जो है मैं वो भेज देता हूँ, बाकी के काम बाद में हम देखते हैं किस तरह करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल चाहिएगा और उसका नाम मैं एस टी आर रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं रैंडमली ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, मैं ये एक दफ़ा रैंडमली एक दफ़ा ये स्ट्रिंग रख देता हूँ। तो ये भी हमारे पास वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ से भेजनी है, वो भी हम देखेंगे कि अभी हम किस तरह इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं रैंडमली हमारा जो है एक फंक्शन जो है मैं वो सेट, वो फंक्शन बना लूँ, तो उसके बाद हम देखते हैं किस तरह करना है। स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कोट्स, अब ये कोट्स आ गए। ठीक है, अब इसको क्या चाहिए होगा, इसको इरिटेटेबल एक फंक्शन चाहिए होगा, डॉट जनरेट। जनरेट के बाद यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, एक लेंथ पास कर दूंगा, यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ। लेंथ के बाद इसको साथ में हम एक और अनोनिमस फंक्शन वाय यूजिंग अ लैम्डा एक्सप्रेशन में इसको यूज करता हूँ। ठीक है, अभी आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं जो है आगे। यहाँ पे मैं एक रैंडमली कोई भी मैं फंक्शन जो है मैं वो परफॉर्म करता हूँ, और वो फंक्शन क्या करेगा, हमें एक रैंडमली जो स्ट्रिंग है वो जनरेट करके दे देगा। हाँ जी, तो ये हमारा एक लैम्डा, मैंने एक लैम्डा एक्सप्रेशन बनाया है, और ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग का नेम है एस टी आर, एस टी आर, और यहाँ पे मैं इसको डॉट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा कोड यूनिट्स। ठीक है, कोड यूनिट्स एट, या हमने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। अब इसको क्या करना है, अब हमने इसको एक इंडेक्स देना है। अब हम इंडेक्स क्या देंगे, वो हमारा जो है रैंडमली जनरेट होगा। ठीक है, अब वो रैंडमली जनरेट करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक रैंडम, और रैंडम का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो मैं रैंडमली चीजें, ठीक है, प्रोवाइड करेगा। जस्ट अ सेकेंड, अजान आले, अजान आने के बाद मैं जो इसको वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं जो है आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, यूनिट कोड हमारे पास ये जो है यूनिट कोड ऐड आ जाएगा, और यहाँ पे अब हमने जो रैंडम का ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया, अब ये हमारे काम आ जाएगा। रैंडम डॉट करूंगा तो नेक्स्ट इंट आ जाएगा, और नेक्स्ट इंट के अंदर मैंने मैक्सिमम इसकी क्या देनी, जितनी मेरे पास उस स्ट्रिंग की लेंथ है, तो मैं एस टी आर डॉट लेंथ, तो देन हमारा काम कंप्लीट। और इसको मैं कंट्रोल आल्ट एल कर देता हूँ और ये आप लोग को ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ ये फंक्शन हमने किस तरह बनाया, और यहाँ पे ये रिटर्न, सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ और इसको मैं करता हूँ रिटर्न। ठीक है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम, स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट करेंगे फ्रॉम चार कोड्स। ठीक है, और इसको एक क्या चाहिए थे, इरिटेटेबल, एक इरिटेटेबल यानी कि वो ऑटोमेटिकली जो है इरिटेटेबल हो गई हमारे पास लिस्ट, वो चाहिए होती है। अब वो लिस्ट जो है हम रैंडमली जनरेट करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी भी आप लोगों को एक वीडियो में बताया हुआ है, आई थिंक लिस्ट स्टाइल के बारे में या लिस्ट व्यू के बारे में है, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि हम रैंडमली जो है वो लिस्ट हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं। उस तरह हम रैंडमली एक लिस्ट जनरेट कर रहे हैं जिसकी लेंथ जो है, जिसको हम सबसे पहले लेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेंथ कितनी आएगी, लेंथ जो है हम अपने दूसरी साइड से स्क्रीन में यानी कि व्यू से हम भेजेंगे कि भाई इतनी लेंथ चाहिए। ठीक है, वो उतनी लेंथ की हमारे लिए बना के देगा। ठीक है, अब वो जो हमारे पास स्ट्रिंग है कोड यूनिट ऐड यानी कि कोड यूनिट ऐड यानी कि जहाँ पे वो हमारे पास कोड पर जो हमारे पास उस यूनिट के अगेंस्ट है, ठीक है, वहाँ से कोई भी रैंडमली नंबर हो वहाँ से स्टार्ट करो, और उसके बाद आगे रैंडमली नेक्स्ट इंट कोई भी रैंडमली नंबर तक चले जाओ और उसके बाद उसको जनरेट कर दो। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास काम किस तरह करता है। ओके, रैंडमली हो गया। अब मैंने यहाँ पे ये मेरे पास बटन है, अब मैं बोलता हूँ यानी कि क्लिक टू जनरेट पासवर्ड। ठीक है, तो वेयर इज़ वेयर इज़ वेयर इज़, अच्छा यहाँ पे ये हमारे पास पासवर्ड कॉपीड, यहाँ पे सेट स्टेट है, सेट स्टेट के अंदर मैंने क्या करना है, रैंडम पासवर्ड, रैंडम पासवर्ड इज़ इक्वल टू गेट रैंडम पासवर्ड। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ पास करनी है 8। ठीक है, अब मैंने लेट्स सपोज इसकी लेंथ 8 पास कर दी, अब इसको हॉट रीलोड करता हूँ, हॉट रीलोड हो गया।
अब मैं ये देखे, अब मैं जब भी जितनी दफा भी क्लिक कर रहा हूँ, मेरा पासवर्ड जो है वो रैंडमली जनरेट हो रहा है, और मैं कॉपी करूंगा तो मेरे पास वो वाला जिसका पासवर्ड है वो कॉपी होगा। ये नहीं कि वो कॉपी नहीं होगा, वो आपका पासवर्ड जो है वो वाला कॉपी भी हो गया होगा। जिस तरह हम सिंपली कॉपी करते हैं कहीं पे, जब क्लिक करें और पेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन है। अब इसको क्या करना है, अब इसको हमने डायनामिकली करना है। डायनामिकली अब हम इसको किस तरह करेंगे, एक तो हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, जो चेक कर रहा है कि हमारे पास ये वैल्यू उसने चेक की है या नहीं की, ठीक है। अब एक और फंक्शन बनाते हैं, वाइट लेंथ चेकर, ठीक है। वो क्या करेगा, उसकी लेंथ चेक करेगा कि उसने कितनी लेंथ भेजी है, और इसके अंदर चेक क्या चाहिए, चाहिए होगा लेंथ पासवर्ड और एलियन लेंथ, मैं इसके अंदर भेज देता हूँ, ठीक है। इफ लेंथ इज इक्वल टू लेंथ चेक कर पासवर्ड इज इक्वल टू 8, अगर उसके अगर 8 के इक्वल है तो क्या करो, ये वाला जो फंक्शन मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पे ये चीज़ दी थी, मैं ये हार्ड कोडेड इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पे सेट स्टेट कर देता हूँ, और सेट स्टेट करने के बाद यहाँ से ये चीज़ कर दूंगा, ठीक है। वो उसके अंदर जो रैंडमली पासवर्ड होगा उसके अंदर वो ये चीज़ चली जाएगी, ठीक है। एल्स इफ लेंथ लेंथ इज इक्वल टू लेंथ पासवर्ड इज इक्वल टू 16, अगर 16 है उसकी लेंथ तो इसके अंदर क्या करो, सेम यही चीज मैं सेट स्टेट में कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा हार्ड कोडेड वैल्यू कितनी 16, ठीक है। और रीलोड करके देखते हैं कि ये वाला काम जो है हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैंने इस फंक्शन को यूज़ करना है जनरेट के अंदर, ठीक है। अब जनरेट के अंदर आ जाएंगे, मैं यहाँ पे सेट स्टेट में कॉल कर रहे हैं या आउट ऑफ सेट स्टेट कॉल कर ले, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब हमारे इसका नाम क्या रखा था, लेंथ चेकर, ठीक है, लेंथ चेकर। अब यहाँ पे मेरे पास जो एक लेंथ चाहिए होगी, अब मैं इसके अंदर क्या पास कर दूंगा, मेरे पास सबसे पहला जो यहाँ पे था पासवर्ड लेंथ, वो हमारा वेरिएबल है जो हमारे पास ग्रुप वैल्यू होगी वो वाले, इसको चेंज कर दूंगा पासवर्ड लेंथ, ठीक है। वो बाकी का काम कोड ऑटोमेटिकली कर लेगा। इसको मैं करता हूँ हॉट रीलोड, हॉट रीलोड करने के बाद डिफॉल्ट उसके अंदर जो है वो 8 जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं 16 करता हूँ, अब ये देखिएगा वैसे इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। सेम यही चीज़ अब हमने किस पे करनी है, यहाँ पे करनी है कि पासवर्ड के अंदर खाली नंबर होने चाहिए या कॉन्टेन अल्फाबेटिक होने चाहिए, या वो तो दोनों चीज़ें नंबर और ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। अब हम ये चीज़ जो है हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इस तरह एक तो हमारे पास दूसरा फंक्शन ये हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि हमने एक कॉमन फंक्शन है वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेट स्टेट हम इन चीज़ों को लोकल स्टेट यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं इन फंक्शंस को इधर ही रहने देता हूँ। अभी आप इसको कहीं भी और भी मूव कर सकते हैं, अगर आपको स्टेट मैनेजमेंट आप अगर कोई यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है, वो कोई ऐसा जैसा इशू नहीं है। ओके, या फिर हम इसको अगर इस तरह नहीं करना तो आप लोग इसको इस तरह कर सकते हैं कि यानी कि जैसे वो उसने इसके अंदर भेजा है लेंथ जितनी भेजी है, वो पासवर्ड उसके लेंथ वो गेट करे, और गेट करने के बाद फॉरन रिटर्न कर दे। जैसे वो हमें रिटर्न करेगा, रिटर्न करने के बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको सेट स्टेट के अंदर वो वाले फंक्शन को अब हम सेट कर देंगे, लेकिन बाद में ये भी आ जाती है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे रहने देते, इसको कहीं और मैं मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं सिंपल एक और वाई टाइप का मैं बनाऊंगा, पासवर्ड टाइप चेकर, ठीक है, और इसके अंदर भी क्या होगा, इसको सेकेंडली हमारे पास दूसरी ये जो हमने इनम्स बनाए थे टाइप पासवर्ड, इसको क्या हमने बोला था, टाइप पासवर्ड, ठीक है, टाइप पासवर्ड टाइप पास, ठीक है। यहाँ में मैं इस फंक्शन वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या पास करना है, एक टाइप पास फंक्शन पास करना है। यहाँ पे हम स्विच भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप पासवर्ड, ठीक है, ये आ गया हमारे पास केस 0 या केस
टाइप पासवर्ड, जस्ट सॉरी, टाइप पास इज इक्वल टू इक्वल टू टाइप पासवर्ड डॉट नंबर। होपफुली ये काम करना चाहिए। द एक्सप्रेशन कॉन्टेन मस्ट बी कॉन्स्टेंट। ओके लेट मी चेक। अब ठीक है, हाँ ठीक है, केस जीरो यहाँ पे ये टाइप पासवर्ड इज इक्वल टू नंबर वन, तो क्या करो? ओके ओके ठीक है, केस अगर टाइप पासवर्ड इज इक्वल टू नंबर है तो एक सेकेंड मैं जस्ट यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं क्या कर दूँगा, ब्रेक और सेमी कॉलन, ठीक है, तो इसका ये इशू जस्ट अ सेकेंड। ओके यहाँ पे क्या करो, ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट करो, ठीक है। ठीक है, और टाइप पासवर्ड पास इज इक्वल टू टाइप पास डॉट नम। जस्ट सेकंड, वेयर इज द इशू, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ आई थिंक सो। अच्छा जी, केस है, केस टाइप पासवर्ड नंबर इज इक्वल टू टाइप पासवर्ड, तो क्या करो? अच्छा इसको वो बोल रहा है कि आप एक्सप्रेशन मस्ट बी कॉन्टेन कॉन्स्टेंट, मतलब जो आपकी जो एक्सप्रेशन के अगेंस्ट आपकी वैल्यू जो है वो मस्ट बी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, वो रैंडमली चेंज ना हो, ठीक है। ओके ओके इसको हम इस तरह कर सकते हैं, टाइप पासवर्ड इन्होंने हमें ये एक सजेशन दे दी है, देखते हैं इसको हम। अच्छा जी, टाइप पासवर्ड इज इक्वल टू नंबर, तो देखते हैं, नहीं तो इसके बाद हमारे पास इफ एल्स की तो ऑप्शन है, टाइप पासवर्ड डॉट नंबर है वो हम यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है, तो क्या करो आप? लेकिन ये इसको इसकी बेस पे मेरे ख्याल में ये चेक नहीं करेगा, चले खैर एनीवेज हम देख लेते हैं कि हमारा ये वाला फंक्शन जो है काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। पासवर्ड चेकर, और यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं, हाँ जस्ट अ सेकंड, वेयर इज कॉमन फंक्शन, ओके, और यहाँ पे मुझे एक सेकेंडली पास करनी है स्ट्रिंग str, सिंपल, इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, वो हार्डली रिक्वायर्ड ही है, ठीक है, और वेयर इज होम स्क्रीन, तो होपफुली हमारे पास एरर आ गया होगा, जी बिल्कुल एग्जैक्टली, एक तो इसको ये चाहिए और सेकंड में साथ में इसको स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको भेज देता हूँ एक रैंडम पासवर्ड के बाद, सबसे पहले मैं इसके अंदर एक वेरिएबल सेट करूँगा स्ट्रिंग टाइप टाइप स्ट्रिंग और इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ए बी सी डी ई एफ जी एच जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स
WXYZ, और यहाँ पे ये मैंने लगा दिए सेमी कॉलन, ठीक है। तो यहाँ पे वेर इज वेर इज वेर इज बाय डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यू होगी टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, और सेम एग्जैक्टली ऐसे ही टाइप स्ट्रिंग। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास वैल्यू होगी वो टाइप स्ट्रिंग के अंदर अब हम सेट करते हैं, बल्कि इसको मैं काम करता हूँ, ये जो डिफॉल्ट है इसको मैं कर देता हूँ एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी या एबीसी कर देता हूँ सिर्फ सिंपली। यार इतना बड़ा मुझे लिखना पड़ेगा, लिखने से क्वाइट बेटर है मैं इसको कॉपी कर लूँ पहले। हाँ अब ठीक है, अब इट्स क्वाइट बेटर। ठीक है, इनिशियलाइजेशन हमने कर दी हुई है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम स्विच पे काम कर रहे थे, ठीक है, स्विच है, टाइप पास है, टाइप पासवर्ड, ठीक है, डॉट नंब है, तो हम क्या करेंगे, टाइप पासवर्ड की डॉट जो वैल्यू होगी, जी बिल्कुल एग्जैक्टली, यहाँ पे हमें सेट स्टेट चाहिए। सेट स्टेट कॉल करने के बाद, सेट स्टेट कॉल करने के बाद, सेट स्टेट कॉल करने के बाद हमने कौन सा फंक्शन परफॉर्म, हाँ टाइप स्ट्रिंग इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो खाली नंबर होता तो ये टाइप स्ट्रिंग इज इक्वल टू, ये जो मैंने अल्फाबेटिक, ठीक है, और टाइप स्ट्रिंग इज इक्वल टू सबसे पहले मैं ये भेज देता हूँ, साथ में मैं इसके अंदर ये भी भेज दूंगा और सेमी कॉलर, ठीक है। मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ, वेयर इज पासवर्ड चेक, ओके 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 ओके, ठीक है, चेक पासवर्ड लेंथ चेक कर, और सेकंड क्या था, थर्ड हमारा फंक्शन पासवर्ड टाइप चेक कर, पासवर्ड टाइप चेक कर, और यहाँ पे मैं दे दूंगा हमारा वो जो वेरिएबल हमने किसकी ग्रुप वैल्यू बनाई थी जिसको अब हम अपडेट कर रहे थे वो देख लेते, पासवर्ड, अच्छा जी, पासवर्ड लेंथ है और पासवर्ड ग्रुप, तो होपफुली हमारा इशू गोना रिजॉल्व, ठीक है। यहाँ पे वो उसकी लेंथ चेक करेगा और यहाँ पे ये, ओके, तो हमने देख लिया, तो इसको मैं ज़रा हॉट रीलोड करता हूँ। अच्छा जी, पासवर्ड की वो लेंथ भी चेक कर रहा है, ठीक है, उसी एक फंक्शन के अंदर, ठीक है, और पासवर्ड ग्रुप, ठीक है, लेट मी क्रिएट, जी ये देखिए अब इसके अंदर जो नंबर आ रहा है 7 4 3, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ खाली अल्फाबेटिक, तो अब वो खाली वो नंबर, अब वो अल्फाबेट हो गए। लेट्स सपोज अगर मैं ये ले लेता हूँ खाली नंबर ओनली, एक दफ़ा वो उसको पहले प्रीवियस वाले को जनरेट करेगा और उसके बाद सिंपली वो उसको खाली, अब वो नंबर लेट्स सपोज मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है, अभी एक दफ़ा नंबर को जनरेट करेगा, ठीक है, सेकेंडली उसके बाद वो क्या कर देगा, अब ये देखिए इसके अंदर नंबर आ रहा है, ठीक है। होपफुली ये चीज़ की आपको समझ लग गई होगी कि वो उसको किस तरह काम परफॉर्म कर रहा है। ओके, ठीक है,
तो ये वाला हमारा काम हो गया। अब इसको मैं कॉपी करूंगा तो वो मेरे पास वो वाला डाटा भी हमारा जनरेट वो कॉपी हमारा ये हो जाएगा। होपफुली इतनी आप लोगों को समझ लग गई होगी कि हमारा पासवर्ड रैंडमली हमारे पास जनरेट किस तरह हो रहा है और जनरेट होने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास दो एक चीज़ होगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो वाला फंक्शन परफॉर्म करूँगा। एक तो ये, अच्छा इसको ना मैं एक काम कर देता हूँ, रैंडमली जो है ना, मैं ये वाला फंक्शन जब मैं जनरेट करता हूँ, ये कौन सा है, स्टेटफुल है, ठीक है, फंक्शन हमारे पास स्टेटफुल है। तो जब ये हमारी एप्लीकेशन ओपन हो और इनिट स्टेट, तो इनिट स्टेट के अंदर मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिंपली वेर इज ये क्लिक टू जनरेट वाला काम है ना, ये दोनों फंक्शंस को मैं इधर कॉल कर दूंगा। ठीक है, अब मैं ज़रा जनरेट कर रहा है, इसको हॉट रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो जब वो एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा तो वो उसका एक दफ़ा वो उसने सारा काम ये वाला कर दिया होगा। ठीक है, लेंथ एक ही, अगर वो बोलता है नहीं तो मुझे ये नहीं चाहिए था, खाली ये चाहिए था, तो वो जनरेट कर देगा। ठीक है, ये जब उसने ये किया उसकी वैल्यू सेट होगी, सेट होने के बाद ठीक है एक दफ़ा वो प्रीवियस को, ठीक है उसके अंदर जो स्ट्रिंग की वैल्यू है ना, जब उसकी वैल्यू चेंज होती है तो ठीक है वो वैल्यू जो है स्ट्रिंग की वैल्यू जो वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये चीज़ वाला काम जो है, ये वाला वो जो ये चीज़ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये चीज़ ये वाला जो है, हम स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्विच, अगर हमने यहाँ पे स्विच लगाया और चेक किया कौन से टाइप पे उसने किया है, ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास वो ग्रुप वैल्यू अपडेट होती है तो उसके अगेंस्ट जो है हम यहाँ पे भी हम अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि ग्रुप वैल्यू और यहाँ पे जो ग्रुप वैल्यू होगी तो उसके अगेंस्ट हम वहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा कोई इशू नहीं है, मैंने एक दफ़ा कॉपी कर दी है तो ठीक है, और इसके बाद इसको मैं रैंडमली यहाँ पे अब क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा काम होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो रैंडमली हमारे पास एक डायलॉग ओपन हो और डायलॉग के अंदर वो पूछे कि जी आप क्या परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, उसको पासवर्ड को सेव करेंगे और सेव करने के बाद आगे हम किसी और जगह पे भेजेंगे, ठीक है, उसके डायलॉग के अंदर भेजेंगे और देखेंगे कि वो अब हमारे पास किस तरह परफॉर्म होता है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल इसे सब्सक्राइब किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर दे, और इस तरह की वीडियो आने के लिए मैं वीडियो थोड़े से पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ताकि मेरी कोशिश होती है कि चीज़ों को जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके मैं डीपली एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती हैं ताकि मैं डीपली एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। जो चीज़ें हर्डल्स मुझे फेस होती है रियल लाइफ में, वो आप लोगों के सामने, और आप लोगों को भी एक आइडिया हो एज अ एक डिवेलपर कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं एक डिवेलपर को फेस करनी पड़ती हैं। अपना ख्याल रखिएगा।